नमस्कार दोस्तों, जीके रफ्तार चैनल पर आपका स्वागत है। सक्षम योजना से जुड़ी एक नई अपडेट के साथ दोस्तों, सक्षम युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है और साथ में कुछ के लिए ये प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। दोस्तों, अभी पीछे बुधवार को श्री मनोहर लाल खट्टर ने एक नई घोषणा की है और उन्होंने एक मीटिंग के दौरान ये बताया है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट टू के तहत सभी सक्षम युवाओं को लगाया जाएगा। जो भी डिपार्टमेंट है जिनके अंदर पद खाली पड़े हैं, उनको इंक्वायरी करने के लिए कह दिया गया है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर बताएं कि आपके डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें खाली है और उनके लिए क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, उनका मापदंड क्या है। तो इस प्रकार जैसे ही इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी, सक्षम पोर्टल पर इसके बारे में जानकारी डाली जाएगी, फिर आपको आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत इन पदों पर लगाया जाएगा। जब तक इनकी रेगुलर भर्ती नहीं हो जाती तब तक आपको इन पदों पर रखा जाएगा। इसके अंदर जो पद कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे उनके लिए आपका हार्ड्रोन द्वारा जो टेस्ट है वो लिया जाएगा, उसको क्वालिफाई करने पर आपको ये जो जॉब है वो मिलेगी। अब यहाँ सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि जिन सक्षम युवाओं ने प्लस टू बेस पर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर रखा है, यानी सक्षम में वो प्लस टू बेस पर है लेकिन उन्होंने डिस्टेंस से पीजी या यूजी भी कर रखी है, तो उनको क्या अब प्लस टू लेवल पर ही नौकरी मिलेगी अगर इस आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत उनको लिया जाता है? तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो सक्षम युवाओं ने जिन्होंने अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशन के अंदर अपनी क्वालिफिकेशन है वो ऐड कर रखी है, तो शायद उनको जो उनकी एडिशनल क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर नौकरी मिले या फिर उनको प्लस टू लेवल पर ही नौकरी दी जाएगी। ये तो इस स्कीम के लागू होने के बाद ही पता चलेगा। और मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा है कि इसके लिए जल्द ही एक पोर्टल है, वो नया पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी सक्षम युवाओं के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम करते हैं मुद्दे की बात बिना बकवास। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।